Yeah. Bonsoir. Bonsoir. Oh, no. Yeah. हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर आपको फ्रांस में पढ़ना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उसके लिए एप्लीकेशन फीस है और बाकी सब। Hello, welcome to Sachin's video channel, Casa Italia. In this video, we're going to talk about applying to study in France, about France and the environment. We're going to break this video into different parts. Number one, France and the environment. Two, the process and the intakes. Three, the application fees. Four, part-time jobs. 5 scholarships and visas. जैसा कि अभी आपने सुना कि फ्रांस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है और स्टूडेंट के लिए कैसा है। तो लाइक वी हैव फिलिप ओवर हियर, ही डिड 1 ईयर इन यू नो फ्रांस, कैन आई? या वी या आई वेंट टू फ्रांस, या शी वेंट टू फ्रांस एंड शी कैन स्पीक फ्रेंच, सो यू कैन लाइक से समथिंग इन फ्रांस। बोंजोर, जे मपेल फिलिपा, जे सुई एंग्लेज। So, like France is like very nice country for students. I mean, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ऐसा एक stereotype है that French people are not very kind or not very good. They are very rude, but it's not the case for me at least. मेरे साथ काफ़ी सारे French दोस्त बने हैं जिनके साथ मैंने accommodation शेयर किया है, काफ़ी सारी बातें की हैं, Eiffel Tower गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे माहौल है। और student के लिए खास बात यह है कि part time job बहुत आसानी से मिल जाती है। तो जो सेकेंड पार्ट है ये है प्रोसेस और इनटेक्स। ओके, सो द सेकेंड पार्ट, द प्रोसेस एंड इनटेक, देयर्स टू इनटेक्स नॉर्मली, वन इन समर, वन इन विंटर, बट मोस्टली इट्स समर, विंटर इज वेरी रेयर। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट इन समर, यू अप्लाई नवंबर दिसंबर टाइम एंड देन द एप्लीकेशन गोस थ्रू एंड यू गो इन सेप्टेंबर। और यहाँ पे मैं अभी एक PDF अपलोड कर दूंगा, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसमें बहुत सारे रीजन वाइज यूनिवर्सिटीज़ के नाम है। आई मीन आई हैव लिस्टेड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ फ्रांस, जिसमें देयर इज लाइक रीजन लाइक लियों, पेरिस एंड लाइक रॉन, नॉर्मेंडी, सो यू कैन लाइक चेक इट आउट। द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन लाइक डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड देन यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर लाइक कन्वीनियंस, वेयर डू यू वांट टू गो। आई मीन इफ यू वांट टू स्टडी इन नॉर्थ ऑफ द फ्रांस इट्स नाइस, इफ यू वांट टू स्टडी इन पेरिस इट्स ऑल्सो नाइस। यहाँ पे दो इनटेक हैं, पहला ठंड वाला है और दूसरा जो है गर्मी समर्स वाला है। तो जो मेजर इनटेक है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वो सेप्टेम्बर वाला है, बट अगर आपको सेप्टेम्बर में एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर पिछले साल एक साल पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज़ लाइक अ गुड थिंग, अभी अक्टूबर चल रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, अच्छा है। सो अभी प्रोसेस की बात करते हैं, तो दो मेजर वेबसाइट हैं, पहली है स्टडी इन फ्रांस इंडिया कैंपस, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको आईडी बनानी पड़ेगी, आप सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हो, स्कॉलरशिप चेक कर सकते हो। और जो दूसरा है वो एटू दी ए फ्रांस है, मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, बट आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो एक्चुअली। वो अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा स्क्रीन पे कि कैसा दिखता है, कैसी दिखती हैं दोनों वेबसाइट्स, तो आप चेक कर सकते हो। सो देयर्स टू वेबसाइट्स व्हिच आर यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस। द फर्स्ट वन इज स्टडी इन फ्रांस इंडिया कैंपस, वेयर यू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फीस एंड स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग एंड द प्रोसेस। एंड द सेकंड वन इज एटूड इन फ्रांस, वेयर यू एक्चुअली अप्लाई एंड डू ऑल ऑफ द स्टेप्स थ्रू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यू नो पार्ट टाइम जॉब। तो अगर आप फ्रांस में पढ़ रहे हो तो आप लीगली 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, जिसमें आपके जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज इज़ लाइक 10 यूरोस पर आवर, तो आप अराउंड 200 यूरो से कर 200 यूरो तक कमा सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 आवर्स भी करते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कर सकते हो। और इसमें जो जॉब्स हैं वो डिलीवरी जॉब्स हैं, जिसमें आप ऊबर ईट्स में जा सकते हो, ग्लोबो में जा सकते हो, अभी बाकी सारी भी डिलीवरी कंपनीज ओपन हो रही हैं जिनमें आप कर सकते हो। इसके साथ आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, वेट्रेस का काम कर सकते हो, या फिर ऐसे पंपलेट्स होते हैं जो आप घर घर जाके दे सकते हो। तो इस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप बात करोगे मंथली एक्सपेंस, तो यू कैन कवर दीज मंथली एक्सपेंस बाय योर ओन, सो यू डोंट नीड टू लाइक डू एनीथिंग एल्स। ओके, यू कैन फाइंड अ जॉब वर्किंग पार्ट टाइम अराउंड योर स्टडीज, हाउएवर यू लाइक।
lots of restaurants, bars, delivery drivers. They want students who can work part-time to fill the roles. Speaking English is useful if you're in tourist cities. And you can work like evenings, weekends, so it goes around your studies, give you some extra money. There are three institutes in France which are in the top 100 universities ranking. They're all in Paris. So 46 is the Institut Polytechnique de Paris, 63 the Sorbonne University, and 73 Paris Saclay. तो अगर QS रैंकिंग की बात करें तो जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तीन पेरिस की आती हैं जो सिर्फ पेरिस में हैं। उनमें पहली है इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक दी पेरिस, द सेकंड वन इज सबॉन यूनिवर्सिटी और थर्ड वन है सैक्ले यूनिवर्सिटी। ये तीनों पेरिस में हैं जिनकी रैंकिंग 46, 63 और 73 है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लाइक देर आर अलॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप हैं जिसमें चार पैक है और PSL है, तो इस तरीके की आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जिनमें जिसमें आपका मंथली एक्सपेंस और ट्यूशन फीस वगैरह कवर हो सकती है। इसके साथ अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो जो पेरिस में ट्यूशन फीस है वो अराउंड वेरी करती है 500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक है, जो कि एक बहुत ही मिनिमम है। आई मीन अगर आप पेरिस जैसे शहर में रह रहे हो और फिर 500 यूरो दे रहे हो, दैट मीन्स लाइक 40,000 इंडियन रुपीज़, इट्स नॉट सो मच। और बाकी बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे इसमें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं स्टडी इन कैंपस इन इंडिया जो है इसकी कितनी फ़ीस है। जब आप अप्लाई कर दोगे पेरिस यूनिवर्सिटी के लिए और आपका एक्सेप्टेंस आता है, तो आपका एक इंटरव्यू होगा स्टडी इन फ्रांस कैंपस इंडिया में। इसमें आपको जाना पड़ेगा, इसके सेंटर्स आपको मैं बता देता हूँ, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, कोची में है, कोलकाता में है, मुंबई, दिल्ली और पुणे में है। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो इस पूरे प्रोसेस की फ़ीस है जो स्टडी इन फ्रांस कैंपस इंडिया, इसकी फ़ीस 18,500 है। पहले 18,000 थी, बट अब इन्होंने 500 रुपये बढ़ा दिए, तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सो इफ़ यू हैव टू डू द इंटरव्यू, यू गो ऑन स्टडी इन फ्रांस कैंपस इंडिया एंड यू गो टू वन ऑफ द सिटीज, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, यू से देम ओके, वन ऑफ द सिटीज टू डू द इंटरव्यू, एंड देन यू हैव टू डू द इंटरव्यू। इफ यू आर सक्सेसफुल, यू गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द वीजा। For the visa process, I can make another video, but you know, visa process के लिए मैं एक अलग video बना दूँगा, but तब तक मैं visa की जहाँ से आप visa apply करोगे, एक मेरा पीछे video है, आप ये वाला video देख सकते हो। अगर नहीं तो मैं जहाँ से आप apply करोगे उसकी link मैं description में डाल देता हूँ। तो ये था आज का video, मिलते हैं next video में। Next video gonna be like the series I have started to study in Italy, I'm gonna move forward with that. But this video is because she is visiting me here in Italy, so I'm making with the help of her. Because he knows a lot about France. Oui. Yeah. Bonsoir. Bonsoir. That's funny, right? Yeah.